Hello everyone, this is Sarika Singh. Welcome to Adhyanata YouTube channel. यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं English pedagogy में हम कुछ words के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ screen पर देख रहे हैं schema, simulation, accommodation and equilibration. यहाँ पर हम बात करेंगे इन चारों वर्ड्स के बारे में कि ये क्या है, क्या इनका मतलब होता है. बच्चों को, आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है. आज मैं उसी कन्फ्यूजन को यहाँ पर आप लोगों की दूर कर रही हूँ. तो यहाँ पे फर्स्ट हम जानते हैं स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये वर्ड्स हैं किसके. आप लोगों ने सुने सुने से वर्ड्स आप लोगों को ये लग रहे होंगे, तो आप लोग जानिए क्या वर्ड्स हैं ये, किसके वर्ड्स हैं ये. तो अगर हम बात करें कि ये आप लोगों ने प्याजे की थ्योरी में पढ़े होंगे, ठीक है, किसकी थ्योरी में, प्याजे थ्योरी में पढ़े होंगे आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स. प्याजे की थ्योरी के वर्ड्स हैं और प्याजे की थ्योरी का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि एक्चुअल में प्याजे की थ्योरी में था क्या. ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में, इसके थ्योरी के बारे में कि स्कीमा क्या होती है, सिमुलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है और इक्विलेशन क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल से लेकर चलेंगे कि आपके आस पड़ोस में मान लीजिए कि आपने क्या देखा कि आपने बचपन में, मतलब एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, ठीक है, आपने वो बच्चा क्या है बाहर खिड़की के बाहर देख रहा है, तो उसके सामने क्या दिख रही है, एक चार पैर वाला जानवर उसको चलता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, हम लोगों ने जब बीएड और डीएलएड किया था तब भी हम यही एग्जांपल लेके चले थे और आज भी हम इसी एग्जांपल के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी थ्योरी में. तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है आपके घर में जिसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, हम मोहन नाम ले लेते हैं. ठीक है, मोहन नाम का कोई बच्चा है, उसने खिड़की के बाहर देखा है एक चार पैर वाला जानवर है जिसके क्या है, एक जानवर जा रहा है जिसके क्या है, चार पैर हैं, ठीक है, एक टेल है, ठीक है, एक पूंछ है उसकी और चार लेग है उसकी. ठीक है, तो उसने उस जानवर को देख के अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मी ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि बच्चे ये क्या है, ये काऊ है. ठीक है, क्या है, ये काऊ है. अब उसके दिमाग में क्या हो गया, एक स्कीमा तैयार हो गया. उस स्कीमा में क्या हो गया कि जो भी चार पैर वाला जानवर होगा, जिसकी एक पूंछ होगी, चार पैर होंगे, वो क्या होगा, वो काऊ होगी. ठीक है, अब वो कुछ दिन बाद क्या चला जाता है, कहीं गांव में जाता है, तो गांव में उसको देखने के लिए मिलता है चार पैर वाली भैंस भी देखने के लिए मिल जाती है. ठीक है, उसको तो वो उसको भी क्या कहने लग जाता है कि ये भी क्या है, ये काऊ है. ठीक है, अब वहाँ पे काओ और आप लोगों ने बफेलो देखी होगी, बफेलो का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है. ठीक है, और काओ का कलर क्या होता है, वाइट होता है. ठीक है, तो उसने क्या देखा कि उसने अब क्या देखा, उसने उसके तो मुताबिक क्या थी, वो ब्लैक कलर की काओ थी. ठीक है, उसने वहाँ पे वो क्या देखा, उसने तो बोला कि ये भी क्या है, काओ है. लेकिन उसकी मम्मी ने वहाँ पे क्या करेक्ट किया, जो उसने वाइट काऊ अपने शहर में देखी थी और जो उसने मतलब ब्लैक काऊ, उसके अकॉर्डिंग जो ब्लैक काऊ उसने देखी वो क्या था, वो एसिमिलेशन था. क्या था, एक स्कीमा उसके माइंड में तैयार हो गया कि जो चार पैर वाले जानवर होते हैं और जिनकी एक टेल या एक मतलब पूंछ होती है वो क्या होते हैं, वो काऊ होते हैं. ठीक है, उसके दिमाग में ये स्कीमा, एक स्कीम सी तैयार हो गई, स्कीमा से लेके चलिए एक स्कीम. ठीक है, क्या तैयार हो गई, एक स्कीम तैयार हो गई, स्कीमा तैयार हो गया. अब उसके दिमाग में क्या है कि जितने भी चार पैर वाले जानवर होंगे, जिनकी एक पूंछ होगी, वो क्या होंगे, वो काऊ ही होंगे. लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो गांव गया तो उसने वहाँ पर एक काले रंग की काऊ और देखी. अब वो काले रंग की काऊ उसके लिए तो काले रंग की काऊ ही थी, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, वो एसिमिलेशन हो गया कि उसने एज इट इज़ जो उसमें था उसने वैसा ही उसको आत्मसात कर लिया. ठीक है, क्या होता है एसिमिलेशन का हिंदी मीनिंग, आत्मसात होता है. ठीक है, उसने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया कि जो चार पैर वाला जानवर होगा जिसकी एक पूंछ होगी वो क्या है, वो काऊ ही होगी. उसने एज इट इज़ उसको दिमाग में उतार लिया. ठीक है, अब उसने जब वहाँ पर ब्लैक काऊ देखी तो उसको उसकी मम्मी ने वहाँ पर करेक्ट किया कि बच्चे नहीं, ये काऊ नहीं है, ये क्या है, ये है बफेलो. क्या है, ये बफेलो.
तो बफेलो में अगर जब उसने पता चला कि अच्छा ये बफेलो होती है, जो ब्लैक कलर की होती है वो बफेलो होती है, और जो वाइट कलर की होती है वो क्या होती है, काउ होती है, तो वो किस स्टेज पे पहुंच गया, वो थर्ड स्टेज पे पहुंच गया जिसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, क्या कहते हैं, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, ठीक है, समायोजन कर लेना, या फिर मतलब किसी चीज़ में हम लोगों में कोई इन्फॉर्मेशन है उसके पास पुरानी, उस इन्फॉर्मेशन में कुछ नया एड ऑन कर लेना, एड ऑन इन द सेंस कि उसी को मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। उसने क्या था, चार पैर वाला एक जान एक पूंछ वाला क्या जानवर है, काऊ है, उसी ने उसने उसी इन्फॉर्मेशन में मॉडिफाई करके कर लिया कि जो वाइट है वो काऊ होती है, जो ब्लैक है वो बफेलो होती है, ठीक है। तो ये किसका आ गया, हमारा थर्ड स्टेज पे पहुंच गए हम, एकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, उसने फिर कुछ दिन बाद में एक काऊ और देखी, क्या देखी उसने, एक काऊ और देखी जिसमें दोनों कलर थे, ब्लैक भी था और वाइट भी था। अब उसकी मुश्किलें और ऊपर बढ़ गई कि अब ये क्या है, ठीक है। अब हमने उसने पहले दो चीज़ें लगाई थी अपने स्कीमा में, अपनी और चीज़ें ऐड करी थी कि भैया जो वाइट कलर की है वो काऊ होती है, जो ब्लैक कलर की है वो बफेलो होती है, लेकिन ये तो ब्लैक और वाइट दोनों दिख रही है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो वो क्या है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, क्या है वो, इक्विलिब्रेशन, जिसमें हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को दोनों को क्या करते हैं, इक्वल बैलेंस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेज होता है, ठीक है। अगर हम इसको एक और एग्जांपल से समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम, जैसे कि आप यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल, किसी चैनल से आप प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी आप मेरे साथ में अगर पढ़ रहे हैं, अध्ययन अड्डा से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर है कि यहाँ पे कुछ जो चैनल्स हैं वो क्या है, वो स्कीमा तैयार हो गया है आपका, कि कुछ चैनल क्या है, सीटेट की प्रिपरेशन कराते हैं, आपने कुछ चैनल शॉर्ट मतलब जो क्या है शॉर्टलिस्टेड कर लिए हैं, और आपको पता है कि कुछ चैनल हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में क्या है आपके, स्कीमा तैयार हो गया है, एक स्कीम तैयार हो गई है आपके दिमाग में। अब उसी में क्या है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया वैसा ही आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, पेपर में कराए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, कि आपने जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने क्या कर लिया, एकदम आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, ठीक है। अब एकोमोडेशन में क्या होगा कि जब आपको मैंने जो भी चीज़ पढ़ाई, ठीक है, उसमें आपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया, अपने नोट्स अपने अपने आप से प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। मैं जैसे कि आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग अपने नोट्स अपने आप से प्रिपेयर किया कीजिए, तो वो क्या हो कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे, जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके करेंगे, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे, मॉडिफाई करेंगे या फिर रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करना या मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। किसका, जो एसिमिलेट किया हुआ आप लोगों का जो स्कीमा है, जो एसिमिलेशन आप लोगों ने किया है, यानी कि जो पुरानी नॉलेज है आप लोगों की, उसी में अगर आप लोगों ने कुछ मॉडिफाई या कुछ रीअरेंज कर लिया तो वो क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है, ठीक है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों अडेप्टेशन के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, ये दोनों अडेप्टेशन के पार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चारों वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा कि किसको किससे रिलेट करते हैं और ये किसकी थ्योरी के वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर पूरी थ्योरी यहाँ पर समझ में आई होगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, अपना यहाँ तक पूरा देखिएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा, अपने दिमाग में कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए, और जितना हो सके हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।